नमस्कार, स्वागत है आपको YouTube चैनल फिनोइज पे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सन फार्मा शेयर को लेके, और यहाँ पे देखेंगे क्या जो है इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। कोशिश करेंगे जो भी इन्फॉर्मेशन है स्टॉक के बारे में एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। वीडियो पर पूरा बने रहिए, कहीं भी स्किप मत कीजिए ताकि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे कि अगर आपको एक ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट ओपन करना है एंजल ब्रोकिंग या आपस्टॉक से, तो उसका लिंक हम लोगों ने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर देख रखा है, जरूर एक बार देख सकते हैं। तो सन फार्मा के बारे में दोस्तों, अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइडेड सब्सक्राइबर है तो आप लोग को पता रहेगा अभी तक हम लोगों ने जितने भी स्टॉक का टारगेट प्राइस दिया है ऑलमोस्ट हर एक स्टॉक का टारगेट प्राइस कंप्लीट हुआ है। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि जो भी स्टॉक का टारगेट प्राइस हम लोग देते हैं या स्टॉप लॉस देते उसी टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस के लिए स्टॉक में खरीदारी करना है। सिर्फ एक हम लोग का ओवरव्यू रहता है स्टॉक के टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस जो भी देते हैं, हम लोग को लगता है कि स्टॉक में जो ये प्राइस देखने को मिल सकता है। जब भी आप कोई स्टॉक खरीदते हैं खुद से एक बार ज़रूर रिसर्च कर लीजिए। तो सन फार्मा स्टॉक का प्राइस जब 600 रुपये के नीचे था तभी भी हम लोगों ने इसके बारे में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर किया था। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 6 महीना पहले स्टॉक का प्राइस आप देख सकते हैं 483.65 पैसा चल रहा था। 6 महीने के अंदर दोस्तों यहाँ पे एक अच्छा खासा मजबूती बनता हुआ दिखा है, 33.36% का स्टॉक ने रिटर्न दिया है। 1 मंथ पहले देखेंगे तो 1 मंथ पहले स्टॉक का प्राइस चल रहा था 578.30 पैसा, 1 मंथ के अंदर स्टॉक में 11.53% का रिटर्न देखने को मिला है। 5 डेज पहले देखेंगे तो 5 डेज पहले स्टॉक का प्राइस 623.15 पैसा चल रहा था, और 5 डेज में स्टॉक में रिटर्न देखने को मिला है 3.51% का। एक दिन पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टॉक में एक ज़बरदस्त जो है आप यहाँ पे देखेंगे ज़बरदस्त मजबूती बनता हुआ दिखा है। तो दोस्तों 6 महीने से ये स्टॉक ने एक अच्छा रिटर्न दिया है। 6 महीने का आप यहाँ पे ग्राफ देखेंगे तो आप देख सकते हैं क्या शानदार जो है बहुत ही शानदार यहाँ पे जो है एक मजबूती बनता हुआ दिखा है। एंड एक दिन पहले का भी यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक में जो एक ज़बरदस्त ग्राफ में ज़बरदस्त एक मजबूती यहाँ पे बना, यहाँ पे थोड़ा एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला बट लगता है फिर से यहाँ पे एक तेज़ी आ सकता है। तो जब भी हम लोग देखते हैं कि कोई भी स्टॉक में बहुत ज़्यादा खरीदारी होता है तो एक बार हम लोग को अच्छी तरह से उसमें रिसर्च कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा खरीदारी हो जाता है तो भी हो सकता है कि स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिले, या फिर अगर देखेंगे तो बहुत ही मतलब बुलिश उसमें चल रहा है अगर हम लोग ग्राफ वगैरह देखते हैं तो जो है उसमें हम लोग थोड़ा बहुत जो है इन्वेस्ट करके भी रख सकते हैं। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि हम लोग कह रहे हैं कि आपको ये स्टॉक खरीदना चाहिए, खुद से एक बार ज़रूर रिसर्च कीजिए जब भी कोई स्टॉक खरीदते हैं। तो एक दिन पहले का अगर यहाँ पर देखेंगे हम लोग स्टॉक का ओपन प्राइस, हाई प्राइस एंड लो प्राइस, स्टॉक ओपन हुआ था 633.25 पैसे में, हाई प्राइस दिया है 650 रुपीज़ का, लो प्राइस दिया है 626.35 पैसे का। तो दोस्तों यहाँ पे जो है स्टॉक में एक अच्छा मजबूती बनता हुआ दिखा, और फार्मा सेक्टर्स के स्टॉक्स देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉक में जो है तेज़ी हम लोगों को कुछ दिन से दिख रहा है। ल्यूपिन में देखेंगे तो ल्यूपिन में जो है अच्छा खासा एक तेज़ी बनता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है फार्मा सेक्टर्स के जहाँ पे मजबूती बनता हुआ दिख रहा है। तो चलिए यहाँ पे आगे का इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पे आ गए हम लोग NSE के वेबसाइट पे, NSE का जो डेटा है वो एक बार देख लेते हैं। ट्रेडेड वॉल्यूम जो है ये स्टॉक का वो आप देख सकते हैं 98,04,095, फेस वैल्यू 1.00 का, 52 वीक का हाई प्राइस दिया है 654.40 पैसे का, 52 वीक का लो प्राइस दिया है 434.25 पैसे का। एंड यहाँ पे अगर सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजिशन एक दिन पहले का देखेंगे तो आप देख सकते हैं डिलीवरेबल क्वांटिटी ग्रॉस एक्रॉस क्लाइंट लेवल जो है वो है 27,55,396। डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी का जो परसेंटेज है वो लगभग 28.10% के आसपास है। मतलब इतना तो हम लोगों को समझ में आया कि स्टॉक में बहुत ज़्यादा खरीदारी नहीं हो रहा है बट अच्छा खासा जो है यहाँ पे खरीदारी हो रहा है। एंड यहाँ पे देखेंगे तो एक अच्छा इन्फॉर्मेशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो यहाँ पे चले अभी आगे का इन्फॉर्मेशन देखते हैं सन फार्मा शेयर के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है जब भी हम लोग कोई स्टॉक के बारे में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं वो स्टॉक का जो कंपनी है वो कंपनी के बारे में भी आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं ताकि आप अगर स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए भी लेते हैं तो आपको उसके बारे में अच्छा इन्फॉर्मेशन रह जाए। हमेशा स्टॉक के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सन फार्मा के बारे में जो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, प्रोमोटर्स अनप्लेस्ड 0.8% ऑफ शेयर्स इन लास्ट क्वार्टर, टोटल प्लेस्ड स्टैंड्स एट 9.01% प्रोमोटर्स होल्डिंग। तो प्रोमोटर्स का जो शेयर जो यहाँ पे गिरवी देखने को मिल रहा है वो है लगभग 9.01% के आसपास।
Promoters have decreased holdings from 54.69 to 54.48% in December 2020 quarter. Promoter जो है अपना होल्डिंग्स जो है ये शेयर में वो कम कर दिया है 54.69% से 54.48% कर दिया है दिसंबर 2020 क्वार्टर में. म्यूचुअल फंड्स हैव इंक्रीज्ड होल्डिंग्स फ्रॉम 10.71% टू 10.99% दिसंबर 2020 क्वार्टर. तो म्यूचुअल फंड्स ने अपना होल्डिंग बढ़ा दिया है सन फार्मा के शेयर में, जैसे कि फार्मा शेयर में एक बहुत ही जो है तेज़ी हम लोग को बनता हुआ दिख रहा है. तो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर भी जो है अभी फार्मा शेयर में इन्वेस्ट कर रहा है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके बाद अगर देखेंगे तो नंबर of mutual fund schemes decreased from 43.42 in December 2020 quarter. तो mutual fund schemes जो है वो कम हो कर दिया है यहाँ पे 43 से 42 कर दिया है. FIA FPI decrease कर दिया अपना holding 12.38% से 12.19% कर दिया December 2020 quarter में. Number of FII FPI investors decreased from 746 to 741 in December 2020 quarter. तो यहाँ पे अभी एक अच्छा बात देखने को मिल रहा है कि institution investors have increased holdings from 32.84% to 33.03%. तो यहाँ पे एक अच्छा इन्फॉर्मेशन हम लोग को देखने को मिला है, जहाँ पे म्यूचुअल फंड्स अगर देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स ने जो है अपना होल्डिंग्स यहाँ पे बढ़ा दिया है. एंड यहाँ पे दोस्तों हमें लगता है कि सन फार्मा एक अच्छा कंपनी है. और यहाँ पे थोड़ा अच्छा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है कि इंडस्ट्री का कंपेरिजन में देखेंगे तो TTM PE रेशियो हाई इन इंडस्ट्री. मार्केट कैपिटलाइजेशन पर मार्केट लीडर है ये कंपनी. प्राइस टू बुक रेशियो अबव इंडस्ट्री मीडियन. तो बहुत सारे अच्छे बातें भी है ये स्टॉक को लेके. तो चले अभी आगे का इन्फॉर्मेशन ये स्टॉक के बारे में देख लेते हैं. तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जो देखा है सिर्फ हम लोगों ने देखा है कि स्टॉक में जो NSE की वेबसाइट में क्या देखने को मिल रहा है, और ग्राफ का जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हम लोगों ने शेयर किया है. तो ज़रूर यहाँ पे लगता है कि स्टॉक में खरीद के चलना चाहिए. और अभी स्टॉक का प्राइस जो है 646 के आसपास देखने को मिल रहा है. और जब हम लोगों ने एक दिन पहले क्या पे ग्राफ देखा स्टॉक में, तो उसका जो प्राइस था हाई प्राइस लगभग 650 के आसपास चल रहा था. तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि स्टॉक पे 10 से जैसे कि अभी यहाँ पे अगर देखें तो 646 वन वीक का भी अगर डेटा देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टॉक में बहुत बार गिरावट के बाद स्टॉक में एक मजबूती बनता हुआ दिखा था. तो बहुत बार यहाँ पे स्टॉक में एक मजबूती दिखा है. तो लगभग जो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो शॉर्ट टर्म के लिए भी तो हो सकता है कि स्टॉक जो है 656 से लेकर 662 के आसपास भी देखने को मिल सकता है. मतलब 10 से 12 रुपये स्टॉक में बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है. तो दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद यही था कि सन फार्मा शेयर में अभी क्या चल रहा है, फिर सन फार्मा के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जाए. आशा करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा. अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए. अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना.